रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया है। ऐसे में यूक्रेन की विभिन्न मेडिकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर परिजनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जा रही है। वायुसेना तैयार है और एयर स्पेस खुलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाली है। इस कड़ी में मुरादाबाद जनपद के आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार रहे अक्रम चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अक्रम चौधरी ने रूस और यूक्रेन में हो रहे युद्ध को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उनका कहना है कि इस प्रकार से देशों का आपस में लड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों देशों को एक साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। युद्ध के समय देशों में आर्थिक संकट आ जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, जानमाल का नुकसान होता है। जी, क्या नाम है श्रीमान जी? अक्रम चौधरी मेरा नाम है और एक्स कैंडिडेट हूँ। अभी विधानसभा 27 ग्रामीण से चुनाव लड़ा था आजाद समाज पार्टी से। चौधरी साहब, कैसे युद्ध चल रहा है, प्रतिक्रिया देंगे? भाई, युद्ध तो किसी भी हाल में कहीं भी हो ठीक नहीं है। उससे रोजगार और जिंदगियां, मतलब हर चीज़ प्रभावित होती है। युद्ध तो मेरे हिसाब से रुकना चाहिए। इसमें दोनों देश आपस में बैठ के बात करें, जो भी समस्या हो वो बैठ कर हल करें। युद्ध किसी चीज़ का हल नहीं होता। जानहानि, मानहानि, हर चीज़ का नुकसान ही होता है इसमें। अच्छा, युद्ध चल रहा है उससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर पूरा असर पड़ेगा। क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो मुरादाबाद है। मुरादाबाद एक्सपोर्ट का हब है। मुरादाबाद रहा, अलीगढ़ रहा, कानपुर रहा, वगैरह वगैरह से यहाँ से एक्सपोर्ट होता है माल। तो जब वहाँ लड़ाई होगी, युद्ध छिड़ेगा, तो भी जो हमारे हम लोगों को ऑर्डर्स मिले हुए हैं, जूतों के, पीतल के, मोम के, कपड़े के, लकड़ी के, वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो असर तो बिल्कुल पड़ेगा। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? इस बारे में मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि शांति बहाल हो, शांति कायम हो, दोनों देश आपस में बैठ कर शांति व्यवस्था बनाए और युद्ध में सीज फायर करें और बातचीत के जरिए इसका हल निकालें। वहीं उन्होंने बताया कि इसका असर भारत की भी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और भारत में निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा।